हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हो भी सारे अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मेरी योगा ड्रेस के साथ। तो आज मैंने अपनी ये ड्रेस निकाली है पहनने के लिए वर्कआउट के टाइम पे। मैं जस्ट सो के उठी हूँ। सबसे पहले ना अपने मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ ताकि मेरा मूड बन जाए कि नहीं, मुझे आज योगा करना ही करना है, और उसके बाद मैं दूसरे कामों में लगती हूँ। तो फ्रेंड, आज वॉशिंग डे है और मुझे मेरे कपड़े धुलने हैं, तो मैंने सोचा कि अपने कपड़े लगा देती हूँ, फिर फ्रेशन अप होंगी ताकि ये कप मशीन चलने में टाइम लगेगा। और पता है मेरे यहाँ पे ना पानी एक टाइम पे ही आता है, जैसे कि 5:30 से या 6 बजे से लेके 8:30 तक का या 8 बजे तक, ऐसे वाले टाइमिंग पे आता है। तो इस वजह से मैंने पहले अपने कपड़े लगाए, उसके बाद मैंने ब्रशिंग की। और मैं ब्रश कर रही थी तो मैंने देखा यहाँ पे ना एक चिड़िया ना तुलसी के पेड़ के पास बैठी थी, और अंदर रखे हैं ना भगवान जी रखे हैं, तो वहाँ पे मस्त उनके आसपास घूम रही थी। देख के बड़ा सुंदर लगा तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करते हैं। देन उसके बाद मैंने सबसे पहले अपना पानी गर्माया फ्रेश होने के बाद। और मॉर्निंग के टाइम पर मेरे को आदत है थोड़ा सा वार्म वाटर पीने का। सो गाइस, मैंने मस्त कर्टन खोल ली है और मम्मी ने अभी टीवी ऑन किया है, उसमें लगाया भगवान जी के गाने, तो यहाँ वही चल रहा था। और मैंने अपना जर्नल लिख रही थी कि टू डू लिस्ट में कि मुझे आज क्या क्या करना है इम्पॉर्टेंट। ऐसे जब कोई चीज़ लिख लो ना तो एक माइंड पे रहता है अच्छा ये चीज़ें करना है, तो चीज़ें हो भी जाती है। तो मैं यहाँ अपना मस्त वो रेडी कर रही थी, और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है इसके अकॉर्डिंग अपने डे को प्लान करना, और मेरी सारी चीज़ें भी हो जाती है, इंपॉर्टेंट वर्क भी हो जाते हैं। अदरवाइज बता, जब पूरा अनप्लान डे होता है ना तो आप ना अपने इंपॉर्टेंट चीज़ या तो भूल जाते हो या तो उतना टाइम नहीं मिलता है। एंड देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना वर्कआउट। तो मैंने आजकल ना योगा स्टार्ट किया हुआ करना, मतलब जब मैं जिम नहीं जा पाती हूँ ना तो मैं योगा करती हूँ घर पे, मतलब कुछ ना कुछ वर्कआउट डेली करने का ट्राई करती हूँ ताकि बॉडी को आदत रहे वर्कआउट की। तो मैं 45 to 1 आवर तक यहाँ अपना वर्कआउट करूँगी, और आज मैं ना अपनी एप्स की कर रही हूँ। मेरे ना सारा ओवरऑल फैट ना आके टमी पे रुक जाता है, पता नहीं कैसे यार, कुछ तो मैंने बहुत ज़्यादा होज मिस्टेक करी हुई है। तो मेरे पेट के पास की बहुत ज़्यादा फैट जमा हो गया है, लेकिन मैं एटलीस्ट मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, तो अनटिल वन डे डिफरेंस दिखेगा। वैसे जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं ना उन्हें शायद दिखता होगा कि नहीं मैंने थोड़ा लॉस किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैंने 6 से 7 kg लॉस करा हुआ है दोबारा 10 kg गेन करने के बाद। या आप सही सुन रहे हो, मैंने अपना वेट 60 कर लिया था, उसके बाद फिर से मेरा वेट गेन हो गया, बिकॉज़ यू नो फीमेल बॉडी बहुत जल्दी गेन कर लेती है। तो यस, फिर से मैंने गेन कर लिया था, एंड देन फिर से मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया और मैंने 7 kg लॉस्ट कर लिया है। बहुत ही जल्दी आप ना मेरी बहुत ज़्यादा फिट बॉडी देखोगे। उसके बाद मैंने अपना नहाया, पूजा भी नहीं करी, पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मम्मी के ऑफिस का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा वेजी चॉप करके रख देती हूँ। अभी मैं अनियन नहीं छूँगी क्योंकि अभी मुझे भगवान जी की पूजा करनी है। तो ये ना ये जो ग्रेटर है ना ये मस्त ग्रेट करता है यार, बिल्कुल फाइन चॉप्ड कर देता है। अच्छा, इसको ग्रेटर बोलेंगे या चॉपर बोलेंगे हम, मुझे कमेंट में बताना, मुझे ना कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा सा इस चीज़ को लेके।
फ्रेंड मंदिर में ना लाइट लग गई है। मैंने कल दिखाया था ना कि मंदिर से वाइट वॉश हुई है, लाइट वगैरह नहीं लगी है। तो भैया ने ना कल रात को ही लाइट ये लगा दी थी मेरे ब्लॉग एंड होने के बाद। अभी पीछे ना वो जो हम लोग को बना था ना ओम, वो नहीं लगा हुआ है। वो धीरे धीरे चीज़ें होती रहेंगी क्योंकि डे बाई डे अपने भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो बस वो लगाना है और चीज़ें होनी है। वैसे मुझे ना मेरा मंदिर सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है, बिकॉज़ यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे से भगवान जी है और इसका इंटीरियर भी जैसे हम लोग को अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग ठीक है। अभी सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है मंदिर, बिकॉज़ अभी उस पर काम करना है। और आप बताना इसमें क्या क्या करवाएं कि अच्छा लगे। पूजा जो करने के बाद मैं बिना ब्रेकफास्ट करे छत पे आ गई थी, क्योंकि दिन में ना बारिश होने लगती है रोज़ रोज़ और कपड़े फिर रह जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि सुबह के टाइम डाल दो। देखो आंटी जी ने ना मॉर्निंग के टाइम डाले थे तो उनके कपड़े काफ़ी सूख गए थे, उनकी बेडशीट थी और उनकी बेडशीट सूख गई थी और मैंने उसे साइड पे कर दिया है। और सो यहाँ फटाफट से अपने कपड़े फैला देते हैं। बहुत सारे मैंने कपड़े धुले थे, मतलब जो जींस वींस रहती है ना वो जब उसमें धुलने को रहता है ना वॉशिंग मशीन में तो बहुत हो जाता है। आपने मॉर्निंग में देखा था ना मैंने कपड़े डाले थे, तो ये वही सारे कपड़े हैं। और अभी मेरे को लगा ना कि एक रस्सी में हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन अभी हुआ नहीं था। तो फिर मैंने दूसरी रस्सी पे जो आंटी की बेडशीट पड़ी थी ना मैंने उसे फोल्ड करके रख दिया क्योंकि प्रॉपर सूख गई थी। और देन मैंने यहाँ पे अपने कपड़े डाल दिए हैं। गाइज़ वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग, होप भी सारे अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह हो गई है और हम लोगों का पूजा वूजा भी हो गई, जैसे कि आप मेरे टीका देख रहे हो। तो यस भी बहुत प्यारा लगता है ना फेस पे। वैसे मैं कोई बिंदी बिंदी लगाती नहीं हूँ, लेकिन जब टीका लगाते तो मुझे मेरा फेस अच्छा लगता है। आप बताना कैसा लगता मेरे ऊपर। तो बस पूजा वूजा हो गई थी आज मॉर्निंग, आज संडे है उसके बावजूद मैं जल्दी उठी थी, अपने सारे मॉर्निंग रिचुअल्स किए, फिर मैंने कपड़े धोने को डाल दिए कि मौसम का आजकल ठीक है और सूख जाएंगे। और मोस्टली सभी लोगों ने डाला है और आजकल ना मैं डेली ये बात बोल रही हूँ मौसम अच्छा है तो कपड़े डाल दिए, मौसम अच्छा है तो कपड़े डाल दिए। लेकिन है ऐसा, मतलब आधे दिन तक तो अच्छा रहता है, उसके बाद का भरोसा नहीं। तो मॉर्निंग में सुबह सुबह डाल दो। और बहुत से लोगों ने डाले हैं, देखो उस छत पर फैले हुए हैं, यहाँ पर भी हम लोग के कपड़े डले हुए हैं। आंटी ने सुबह धुल के बेडशीट वगैरह डाल दी थी जल्दी, तो उनकी बेडशीट वगैरह सूख भी गई है और सारी चीज़ें हो गई है। जो नहीं हुआ है तो बस वो ये है कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी। सो बस चलते हैं, ब्रेकफास्ट 50% बन गया, 50% और बनाना, मतलब चॉपिंग वगैरह हो गई है, बस मेकिंग करनी है। चलते हैं बनाते हैं, पहले तो पानी पियेंगे, धूप इतनी तेज़ है मुझे पता प्यास लग रही है। और नहाने के बाद हम लोगों ने पानी पिया भी नहीं था तो और भी ज़्यादा प्यास लग रही। हाँ इसको चैन नहीं, लड़की को अंदर बैठो ना तो अंदर बात लगाएगी, बाहर आओ तो बाहर, इसको चैन नहीं आता है। हाँ चलते हैं नीचे, पता नहीं क्यों परेशान हो रही है। सो गाइस आए हैं मौसा जी और मौसी जी और हम उन्हें से आ गए मार्केट। यहाँ पे साइड पे लगे थे गणेश भगवान की प्रतिमा, तो वहाँ उनके दर्शन किए, दूर से ही किए थे क्योंकि अभी कोई कार्यक्रम हो नहीं रहा है। एंड देन आके यहाँ पे अपने समोसे पैक करवाएं। सो गाइस मौसा जी ने हम लोगों के लिए पानी के बताशे मंगवाए थे और उनको पता है ना लड़की को बताशे बहुत पसंद होता है, तो उन्होंने बहुत सारे मंगवा दिए थे और हम लोगों ने खूब मज़े से बताशे पार्टी करी, बहुत सारी बातें की। व्लॉग ज़्यादा नहीं किया था मैंने आज, तो व्लॉग में मैंने मौसी जी को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया, मतलब व्लॉग किया ही नहीं उनका। और आपने देखा भी नहीं कौन से मौसा जी आए थे, तो पिंकी मौसी और मौसा जी आए थे दिन के टाइम पे। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, हंसी मजाक की, पर व्लॉगिंग मैंने ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि ओवरऑल मेरा व्लॉग मॉर्निंग का हो ही गया था, तो फिर वो चीज़ कट करनी पड़ती, तो दैट्स अ रीज़न। लेकिन ये बताइए आप में से किसको किसको बताशे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके ना बहुत सारे नाम होते हैं, कानपुर में तो बताशे बोलते हैं और बहुत जगह इसे बोलते हैं फुग्गे और पानी पूरी, मुंबई में पानी पूरी आई थिंक बोलते हैं,
और बौजे पुचकी बोलते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट नाम है। अच्छा आपके एरिया में से क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने इंडियन के कल्चर और लैंग्वेजेस जान के, बहुत ही सही लगता है। तो या ये ढेर सारे पानी के बताशे, आओ आप भी आ जाओ, बिकॉज इतने सारे हम लोग अकेले नहीं खाने वाले। तो या आइए आप सबका भी, आज पानी पूरी में पार्टी होती है, मतलब पानी पूरी पार्टी होती है। इतना सारा पानी था ना इसका, मैंने बड़ा वाला बाउल लिया था लेकिन वो भी छोटा पड़ गया था, फिर इसको एक कटोरी में कन्वर्ट किया। सो गाइज मैंने आप लोग को बताया था ना कि मौसी और मौसा जी आए हैं, पर मैंने आज उनको दिखाया नहीं और हम लोग आगे व्लॉग भी नहीं किया था, बस बैठे थे सब लोग बात कर रहे थे। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता ना कि व्लॉग हर टाइम पे हो पाए, तो बस थोड़ी पर्सनल बातें हो रही थी मम्मी और मौसी के बीच में। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ व्लॉग लेके अपना आई ना तो दोनों मिल के मुझे कूटेंगे, तो व्लॉग तो नहीं किया। मैं किचन में आ गई थी और फिर मैंने सारा डिनर तैयार किया, आलू टमाटर की सब्ज़ी, मेरी मम्मी खड़ी पीछे वेट कर रही है सोने के लिए, आलू टमाटर की सब्ज़ी, रायता और पूड़ी। अगर हम लोग आपको डिस्टर्ब करते, मतलब हम और मेरे यूट्यूब फैमिली डिस्टर्ब करती अगर, तो आप दोनों मिलकर हम लोग को मारते। आज मेरे बहुत गुदगुदी मचल रही कसम से, मारते ना। हाँ चल रहे हैं। सो फिर खाना ना बनाया, खा लिया, मौसी लोग चले गए, आज मौसा जी ने हमको पैसे भी दिए, कल करूँगी पार्टी। सो मम्मी ना भुलवा देते इसे, यहाँ पे गुदगुदी कर दी, मैं ससुरा गया। सो बस मौसी लोग जा चुकी हैं और हम लोग ने भी खाना खा लिया था, मौसा ने बोला कि साथ में ही खाना खा लो, तो मैंने भी खाना खा लिया था। और आज का दिन बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो गया क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना, फिर सारी चीज़ें करना और एंड तक आते आते मेरी हालत कैसी हो जाती है। तो आप इससे ज़्यादा देखें उससे पहले मैं ब्लॉग एंड कर लेती हूँ, मिलूँगी कल के एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।